बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर के लगातार कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ जा रही है जिसे सुनकर हम सब भी हैरान हो जा रहे हैं। आखिरकार बिहार में शिक्षा विभाग की सुधार कब तक बिहार सरकार कर पाएगी? हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में शिक्षा को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इनका मामला क्या है। फिलहाल अभी एसटीटी के लगातार प्रदर्शन पर कवरेज हम आप तक दिखाई रहे थे, अभी एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं वो अंदर जा करके बीएसईबी के अध्यक्ष या बीएसईबी के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, एक टेबल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आपका नाम क्या होगा पहले? दिनेश कुमार तिवारी, प्रखंड KRP कोढ़ी गोला, रोहतास सासाराम। अच्छा, आप रोहतास सासाराम से आए हैं। अब बताइए पहले शुरुआत से मामला क्या है, कैसे नियुक्ति हुई, क्या हुआ, पूरा प्रकरण मैं जानना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने 2008 में राज्य संपोषित योजना महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना की शुरुआत की, जिसमें हम सबों को प्रखंड KRP के रूप में प्रखंड स्तर पर किया गया, गैर साक्षरता कर्मी को। राज्य सरकार ने उस समय हम लोगों को प्रबोधन के लिए 15 दिन का प्रबोधन 500 रुपये के हिसाब से पर बहाल रखा गया। हम सभी अभी तक बिहार सरकार का साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार हम लोगों को मानदेय नहीं दिया, जबकि हम लोगों के कार्य हमने मानव श्रृंखला से लेकर के राज्य के सारे कार्यों को करते आ रहे हैं। हम लोगों की मांग बिहार सरकार से है कि हमें मानदेय दिया जाए, चूँकि हमारे ही अंदर में काम करने वाला शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सरकार के द्वारा 11,000 रुपये की राशि दी जाती है, उन्हें EPF का लाभ दिया जाता है, उन्हें 4,00,000 रुपये अनुग्रह अनुदान राशि दी जाती है, जबकि हम प्रखंड KRP अनुसरण करते प्रबोधन करते जब कहीं मर जाते हैं तो हमें सरकार के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कराया जाता है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हम लोगों को मानदेय किया जाए, जो सेवा शर्त नियमावली बनाई गई है सेवा शर्त नियमावली के अनुसार हमें मानदेय का प्रावधान किया जाए। चलिए दो तीन सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला ये है कि शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य कैसे सरकार आपसे लेती है? राज्य सरकार हमें महीने में 20 दिन का प्रबोधन का कार्य लेती है और हम साक्षरता 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, शिक्षा सेवक का मॉनिटरिंग करते हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें अनुसरण करते हैं, उन्हें समर्थन करते हैं और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को दिया जाता है उसका हम लोग पालन करते हैं। दूसरा है कि आपको मानदेय राज्य सरकार आपके काम के अनुसार अभी कितना दे रही है? अभी हमें 20 दिन का प्रबोधन 10,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। महीने में 20 दिन ही काम लेती है? हाँ। और उसका आपको पर डे का 500 रुपये देती है? हाँ, लगभग यही हुआ ना। और इसके अलावा जो अभी आपकी जो मांग है वो किस आधार पर आप लोग मांग कर रहे हैं? जैसे हमारे अंडर में काम करने वाले शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सरकार के द्वारा मानदेय दिया जाता है और हमें भी सेवा शर्त नियमावली बनाई गई है, तो हम लोग भी राज्य सरकार से शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें भी मानदेय किया जाए, क्योंकि हमारी बहाली अब हम लंबे समय तक कार्य करते आ रहे हैं और 60 वर्ष की आयु तक हम लोग को काम करना है। तो आपकी नियुक्ति जो हुई थी वो 60 वर्षों के लिए हुई है? जी, हम लोगों की अभी नियुक्ति की प्रक्रिया में 500 रुपये मानदेय देने की बातें कही गई थी। जी, कही गई थी जी। अब आप उसे बढ़ाने, महंगाई की अपेक्षा आप बढ़ाने की कोशिश में है कि हाँ मांग कर रहे हैं। अभी तक अपनी मांग को लेकर कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं? अभी तक हम अपनी मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग एवं निदेशक जन शिक्षा को हम लोग अपनी मांग को करीब 4 वर्षों से रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई हम लोग को नहीं। सरकार से लेकर के इस सरकार तक आपने मांग कर लिया, कुछ होने वाला नहीं? अभी कुछ हम लोगों की मांग पे विचार नहीं कर रही है, इसलिए आगे अगर हम लोगों पर मांग पे विचार नहीं करेगी। आज आपका पूरा संघ, एक संघ भी आपका बना हुआ है? जी, बिहार राज्य KRP संघ के नाम से हमारा संघ भी है। तो आपका संघ आज यहाँ किस वजह से आया था, क्या करना था, क्या प्लान था आप लोगों? माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए थे कि हमें किया जाए और हम लोग जुलाई अगस्त 2021 में माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखित रूप से भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। छोटा सा उलझन है, इसको आप जरा क्लियर कर दीजिए। आप इतनी देर के बातचीत में एक छोटा उलझन रह गया है कि असाक्षर लोगों को आप साक्षर करते हैं? असाक्षर महिलाओं को 15 से 45 असाक्षर महिलाओं का को हम लोग शिक्षा सेवक द्वारा साक्षर बनवाने का काम करते हैं
और उसका प्रखंड स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं, केंद्रों पर उसका अनुसरण करते हैं, उन्हें अनुसमर्थन देते हैं और राज्य सरकार द्वारा जो जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। छोटा सा और ये क्या वही योजना है जो गांव-गांव में मुख्य रूप से कुछ शिक्षक बनाए जाते थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें बुला करके शाम के टाइम या कभी भी वक्त निकाल कर एक समय दिया जाता था गांव में, फिर वहां गांव में जितने भी असाक्षर लोग थे एक जगह पर आते थे, उन्हें शिक्षा दिया जाता था, तालीम दी जाती थी। तालीम देने का कार्य शिक्षा सेवकों के माध्यम से सरकार करवा रही है। योजना वही है ना? योजना वही है। उस योजना को क्या नाम दिया गया था? महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना। मंडी की महिलाएं, महादलित समुदाय के बच्चे, अल्पसंख्यक दलित समुदाय के बच्चों और महिलाओं को, बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के और महिलाएं 15 से 45 आयु वर्ग के। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। सर, ये वही शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा विभाग ने एक प्रयत्न किया था पूरे बिहार प्रदेश भर में 2015 में जब सरकार बनी थी, तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक योजना लाया गया जिसमें महादलित दलित अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें शिक्षित करने के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई और उस योजना को लेकर के कुछ लोगों की नियुक्तियां भी की गई। उसी में एक पद इनका भी है और इनके प्रखंड केआरपी के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। केआरपी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। मुख्य साधन सेवी। इनके अंडर में जो लोग तालीम देने का काम करते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो इनके अंडर में आकर के काम करते हैं, उनका मानदेय इनके मानदेय से अधिक है। लड़ाई इस बात की है कि सम्मानजनक एक मानदेय दे दिया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मौजूदा हालात के अनुसार महंगाई का जमाना है और महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार को उसका भी ख्याल रखते हुए न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कम से कम इनकी भत्ता कर दे। महीने में 20 दिन ही इनसे काम लिया जाता है और प्रतिदिन 500 रुपये दिया जाता है। उस हिसाब से पूरे महीने का अगर देखा जाए या 20 दिनों का ही अगर आप आकलन लगा लें, 10,000 रुपये का होता है। यानी अभी ये फिलहाल 10,000 रुपये की प्रतिमाह नौकरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के ये भी एक अंग है, अभिन्न अंग है। 60 वर्षों तक इन्हें रहना है, 60 वर्षों तक सेवा देना है, लेकिन अब मानदेय को लेकर के मामला पेंच फंसा हुआ है। पिछले 2015 में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी अभी इसका समाधान नहीं निकाल पाए, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, नए सिरे से एक बार फिर से मुख्यमंत्री चलने को तैयार हैं। एक नए सिरे से शिक्षा विभाग संवारा गया है, नए सिरे से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक नए जिम्मेदार व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन अब भी इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इससे जुड़ी छोटी बड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अभिषेक तिवारी, पटना।